ऋषि काफी दिनों से वापस नहीं आया है, तो ऑली सोच रहा था कि वो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गया। तभी चूहान उसके सामने आ गया और कहता है कि क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है ना, तो फिर ये लो एकदम ही फ्रेश और न्यूट्रिशन से भरी सुशी। लेकिन उस वक्त उसने ऑली को टच कर लिया और ऑली के हाथ पे रैशेस आ गए। ऑली अपने ऑफिस में वापस आया और सोच रहा था कि सिर्फ वो टच करता है तभी मुझे एलर्जी क्यों नहीं होती और वो अचानक से ऐसे गायब क्यों हो गया। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तब अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगता है। तभी बाहर से बताया गया कि एक पेशेंट अंदर आ रहा है, तो फिर ऑली खुद को ठीक करता है और कहता है कि हाँ उसे अंदर आने दो। वो पेशेंट व्हीलचेयर पे था, उसने चेहरे पे मास्क और सर पे ईयर्स वाला हेडबैंड पहना हुआ था। मुझे और आपको तो पता चल गया कि वो तिशी है, लेकिन ऑली उसे नहीं पहचान पाया। तिशी बहुत ही क्यूट आवाज में कहता है कि डॉक्टर मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। ऑली उसे पूछता है कि रिसेंटली आप क्या खाना खा रहे हो। तिशी कहता है सब कुछ नॉर्मली है, मुझे खाना खाने की इच्छा होती है लेकिन मैं खाना नहीं खा पाता। ऑली उसके पास गया और उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मास्क निकालो। तिशी अचानक से उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है और अपना मास्क निकाल के दिखाता है कि वो तिशी है। ऑली उससे दूर होने की कोशिश करता है कि ये एक हॉस्पिटल है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाहर कितने सारे लोग है। तिशी उसके नेक पर नाइफ रखता है और कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्री रूम ले चलो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। ऑली सोचता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, मुझे लगा था कि वो तो हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी आसानी से यहाँ पे घुस आया, लेकिन अब मैं भी उसे मुझे कंट्रोल नहीं करने दूंगा। तिशी गुस्से से कहता है कि मुझे उस जगह पे ले चलो। ऑली कहता है कि अचानक से तुम चले गए थे और अचानक से वापस आ गए, तुम्हारा जो मन करता है तुम वहीं करते हो, तो अभी भी अकेले ही चले जाओ। तिशी कहता है मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्री रूम कहाँ पे है। ऑली कहता है और ना ही मुझे पता है। तिशी नाइफ से उसके शर्ट का बटन तोड़ देता है और उसके करीब जाने लगा। ऑली को लगा कि तिशी पहले की तरह ही पर्वर्टेड चीजें कर रहा है, लेकिन असलियत में तिशी अपनी एक बटरफ्लाई ऑली के पीछे लगा रहा था। ये एक इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है जो नर्व सिस्टम में ब्रेन वेव्स रिलीज करती है और उसकी मदद से किसी की भी अवेयरनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। पर्सन जो काम नहीं करना चाह रहा होता है उसे करने के लिए वो ब्रेन को मैसेज भेजती है, लेकिन वो बस थोड़े वक्त के लिए होता है, उसे बस थोड़े वक्त के लिए ही हिप्नोटाइज किया जा सकता है। तिशी ऑली से कहता है कि तुम अभी सेंसिटिव हो, लेकिन अभी एक दूसरा अर्जेंट काम है, उसके बाद ही तुम इंजॉय कर पाओगे। एक्चुअली डॉक्टर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। और वो तिशी को ऑर्डर देता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्री रूम ले चलो। ऑली अब उसके कंट्रोल में था और वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं अभी तुम्हें वहाँ पे ले जा रहा हूँ। तिशी स्माइल करता है कि मैं जानता ही था तुम सबसे बेस्ट हो। दूसरी ओर मोटू ओवेन फेंग से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ओवेन फेंग मोटू को एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे देगा और मोटू अपने टॉप असिस्टेंट की मदद से ओवेन फेंग की जो दुश्मन कंपनी है उसे खत्म कर देगा। मोटू का टॉप असिस्टेंट है तिशी और ओवेन फेंग की दुश्मन कंपनी है टाइगर गैंग।